जगत को क्या देता है रोशनी कवि किसको जग में नाम कमाना कहते हैं इंसान आंधी और पानी को कौन सहता है फूल? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में दीजिए आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? हमारे आसपास गेंदा चमेली गुडहल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं बीजू प्रकृति के तत्व कौन कौन से है प्रकृति के पांच तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश त्रन दीपक दुनिया को कैसे रोशन करता है दीपक अपने हृदय को जला जला कर को रोशन करता है चार हम किसी तरह धरती को महका सकते हैं धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़े दान में डालेंगे धरती को सुंदर बनाने के लिए हम पेड़ लगाएंगे पांच सूरज की किरणें जगत को कैसे चमकाती है सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है अच्छा सूरज की किरणें हमें क्या संदेश देती है सूरज की किरणें रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है इसे सीख मिलती है कि दूसरों के जीवन को हमेशा प्रकाशित करना चाहिए साथ जगत में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे जगत में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए प्रश्न तरण आपेलो निम्नलिखित वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर शब्द लिखिए रंग कागज कलम जगत फूल मगर प्रश्न त्रन उदाहरण के अनुसार शब्दों में दिए गए वर्णों का प्रयोग करके नीचे शब्द लिखिए प्रसंग कथा संग था पची से शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए एक चारों ओर उजाला है बे दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है तर सूरज सबको रोशनी देता है प्रकृति का नजारा काफी सुंदर है पांच तुम मेरा नाम रोशन करना पची निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए एक धरती को सुंदर बनाना चाहिए बे फूल हमें जीवन में मुस्कुराहट देते हैं त्रण सूरज सबका जीवन दाता है चार दीपक जगत को रोशनी देता है सूरज प्रकाश फैलाता है प्रश्न अच्छा उदाहरण के अनुसार वाले शब्द लिखिए जाना तो खाना पीना सोना खेलना पढ़कर लिख कर सुनकर कहकर देख कर लिखाई पढ़ाई इकाई सुनाई सफाई पची वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए गमला तो गमले वहां बहुत गमले हैं बीजो मैदान में लड़कियां खेल रही है रण कश्मीर के ऊपर कई सारी आफते हैं। मैं काफी खुश हूँ नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है प्रश्न आठ से नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढ कर वाक्य बनाइए। जल तो पानी मैं प्यासे को पानी पाता हूं तिमिर अंधेरा सुबह होते ही अंधेरा दूर हो जाता है संसार लोक हम सब एक लोक हृदय उर हमारे उर में सबके लिए प्रेम होना चाहिए दिन कर सूर्य सूर्य प्रकाश देता है वाक्य में प्रयोग धरती आकाश आकाश में पंछी उड़ रहे हैं डरपोक निडर वो निडर इंसान है सवाल जवाब इसका जवाब शानदार था प्रकाश अंधेरा रात को काफी अंधेरा है दिन रात रात में अंधेरा होता है दुर्गंध, मुझे दुर्गंध बहुत आ रही है से निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम दर्शाने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए और, और में लिखिए यह मेरी किताब है तो एम से यह बीसा मा ये तीसा मा हम चौथा मा वह ने पांचवा मा कौन पची नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वनाम पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए

બીજું બગીઓ કે ફૂલો કો દેખો ઘુશ ખુશ રહે પછી એના માટે શબ્દ આપવાનો છે તો પેલું પેટ્રોલ પંપ બીજું સાર્વજનિક ટેલિફોન પછી પાઠશાળા અને ચિકિત્સા સેવા ચિત્ર કે આધાર પર પાંચ વાક્ય લીખીએ ચિત્ર નદી કિનારે કા હૈ નદી કિનારે હરીભરી ઘાસ બીજી હુ હૈ નદી કિનારે પોધો પર ફૂલ લગે હુ હૈ આકાશ મેં પંછી ઉડ રહે હૈ નદી કે જલમે બતકે તેર રહી ચિત્ર મેં સૂરજ ઉપર ચઢરા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું વિડીયો જોવા બદલ આભાર